हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को ज्योति डेली ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए और मैं आप लोगों से घुघनी का रेसिपी शेयर करूँगी, किस तरह से मैं बनाती हूँ, वो भी निरामिष घुघनी। क्योंकि आप लोगों को पता है अभी नवरात्र चल रहा है, आज अष्टमी है और अष्टमी का कौन कौन आप लोग पूजा किए और ये भी बताइएगा कॉमेंट करके। तो चलिए, मैं ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ, मैं सबसे पहले आपको लेके चलती हूँ कि मैं घुघनी किस तरह से बनाती हूँ, वो भी निरामिष। तो आप लोग हमारे इस ब्लॉग वीडियो पे बने रहिए फ्रेंड, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्जॉय और बहुत मतलब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए आप लोग हमारे इस ब्लॉग में देखिए फ्रेंड, हम चूल्हा पे देखिए कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, मतलब गर्म होने के लिए। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मटर हम दिए थे सीजने के लिए, तो मैं हरा मटर दी हूँ इसमें और इसमें 3 सीटी लगाई हूँ। और यहाँ पर देखिए टमाटर को काट के रखी हूँ। और देख सकते हो यहाँ पर मम्मी मसाला बाँट दी है, क्योंकि मेरा हाथ लहरता है इसलिए ना मम्मी वहाँ पर मिर्च डाल के मसाला बाँटेगी। और देख सकते हो वहाँ पर अभी हम घुघनी बनाने के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस ब्लॉग वीडियो पर बने रहिए। फ्रेंड, हमारा कढ़िया गरम हो गया था और मैं इसमें तेल डाल दी हूँ। और देखिए ये दालचीनी है, इलायची है और गोल मिर्च है, देख सकते हैं मैं इसमें डाल दी हूँ। और यहाँ पर देखिए चूल्हा में चढ़ा दी हूँ और आप लोग देख सकते हो हमारा यहाँ पर तेल पक जाएगा ये हल्का फल्का। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मसाला जो मैं आपको दिखाई, आप लोग देखो। तो हम और मम्मी दोनों मिल के बना रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि मतलब मुझे आज कहीं घूमने जाना है तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी, इसलिए फटाफट से जल्दी जल्दी बना रही हूँ। तो ये सब्जी अभी हम मैं बनाऊंगी, उसके बाद पूड़ी भी बनाऊंगी। तो आज ये वाला पीसी के दिए ना, पीसी के। तो फ्रेंड देखिए, ये बड़ा इलायची है, पता नहीं ये वाला बड़ा इलायची है ना, तो बड़ा इलायची है, तो मैं अभी इसमें भी डाल दे रही हूँ। आप लोग देखिए, नहीं वो ऐसे में फूटी लेते। तो देखिए फ्रेंड, ये मिर्चा मतलब हरा मिर्च जो है पक गया है, इसमें मैं टमाटर डालूंगी अभी। देखिए और मैं अभी तो सामने में नहीं आ पाऊंगी क्योंकि कैमरा पकड़ी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग कौन कौन अष्टमी पूजा करते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आज अष्टमी है और अष्टमी में चावल नहीं बनता हमारे यहाँ, और आप लोग कौन कौन अष्टमी में चावल खाते हो और कौन कौन नहीं खाते तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि हमारे घर पे अष्टमी में चावल नहीं बनता है, पूड़ी बनता है और सब्ज़ी। तो अभी मैं बना रही हूँ वही। तो चलिए, मेरा टमाटो यहाँ पर पक रहा है जैसे कि आप लोगों को दिखाई। देखिए तो मसाला भी अभी डालेंगे, हमारी मम्मी गरम मसाला बांट रही है। तो फटाफट जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पर एक कुकर निकाल दी हूँ क्योंकि इसका जो गैस है निकल गया है। रुक जाइए, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी मेरा मटर सीझा है कि नहीं। तभी मम्मी से चेक कराएंगे कि मटर सीझा है कि नहीं। माँ देख, ठीक सीझला है। तो देखे फ्रेंड, मैं यहाँ पर मटर और आलू सिझा दी हूँ। और मैंने मम्मी को प्रेशर में मतलब कुकर प्रेशर में खाना बनाने नहीं आता, आप लोग देख सकते हो नहीं आता है इसको, खाली कढ़िया में बनाने जानती है। देखिए रुक, टमाटर तो फ्रेंड देखिए मेरा टमाटर पक गया है। तो चलिए, मैं इसमें ये जीरा गोलकी और धनिया है और कौन सी आदि आदि। तो चलिए, मैं इसमें डाल दे रही हूँ क्योंकि इसमें प्याज व्याज तो पड़ेगा नहीं क्योंकि निरामिष बना रहे हैं। आप लोगों को तो पता है, जो आप हमारे डेली ब्लॉग देखते हो उन लोगों को पता होगा कि मेरे मम्मी पापा निरामिष खाते हैं, तो इसीलिए हमारे घर पे ऐसे तो निरामिष बनता ही है। अभी तो स्पेशली नवरात्र चल रहा तो और बनेगा। देखिए तभी मैं इसमें हल्दी नमक थोड़ा सा ऐड करूंगी और थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चीनी भी डालूंगी। तो चलिए पहले मैं हल्दी निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड प्लीज़ आप लोग हमारे इस ब्लॉग वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हमारा ब्लॉग में ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा हेल्प करिए और जल्दी से मेरा ब्लॉग को वॉच करिए। और देखिए, मैं इसमें हल्दी डाल दी हूँ और थोड़ा सा नमक भी डालूंगी स्वाद अनुसार। तो आप लोगों को जैसा आप लोग जैसा डालते हो उस तरह से आप लोग भी डालना अगर घर पे बनाते हो तो। और आप लोग देख सकते हो, तो प्लीज़ आप लोग कुछ आई का। तो फ्रेंड अभी रुक जाइए, हमको वहाँ से नमक, मैं नमक भी डाल रही हूँ। तो
तो स्वाद अनुसार डाल रही हूँ, हम लोगों को जितना खाना होता है उतना डाल रही हूँ मैं। तो देखिए मैं डाल दे रही हूँ। अब चलिए मसाला को तब तक पकाएंगे जब तक इसमें तेल नहीं छोड़ देता तब तक। देखिए फ्रेंड मैं यहाँ पर चीनी ले ली हूँ इसमें डालने के लिए, ये देखिए। तो मैं चीनी इसलिए डाली क्योंकि चीनी देने से इसका फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, कलर भी बहुत ज़्यादा मस्त आता है, तो इसलिए मैं इसमें चीनी डाली हूँ। और देख सकते मेरा मसाला से हल्का हल्का ऑयल छोड़ रहा है। तो पहले इसको अच्छे तरह से भून लेती हूँ क्योंकि मसाला ज़्यादा फ्राई करने से टेस्ट होता है सब्ज़ी में। तो मैं इसको अच्छे से, और मुझे थोड़ा सा सर्दी सर्दी फील हो रहा फ्रेंड, पता नहीं ठंडा लग गया क्या। तो चलिए पहले मैं इसको पका लेती हूँ। फ्रेंड हमारा मसाला पक गया है और आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा तरह से इसका ऑयल छोड़ दिया है। तो मम्मी को चलिए बोलते हैं इसमें ढाल देने के लिए। हाँ ढाल। तो देखिए यहाँ पर मम्मी ढाल रही है घुगनी और आलू। तो आप लोग देख सकते हो हरा मटर है फ्रेंड इसमें, जो ग्रीन वाला मटर होता है ना वो है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तभी धीरे धीरे सब डालेंगे इसमें, उसके बाद टेस्टी टेस्टी बन जाएगा फ्रेंड। और आप लोग भी आकर खाने के लिए आ जाइएगा, आप लोगों को भी खिलाऊंगी मेरा हाथ का बना हुआ घुगनी। तो आप लोग भी आकर खाइएगा फ्रेंड और बताइएगा कैसा बना है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें सारा मम्मी डाल दिए, कुकर पूरा खाली हो गया है और देख सकते हो। और अभी यहाँ पर गरम मसाला भी डलेगा जो यहाँ पर मैं ढक के रखी हूँ। तो पहले ये उबल जाए, हल्का सा पानी इसका सूख जाएगा, उसके बाद ज़्यादा नहीं सुखाऊंगी क्योंकि सिर्फ घुगनी तो बनना है ना इसीलिए। और यहाँ पर देख सकते हैं ये भी बना रही है, ब्लॉग शूट कर रही है, ब्लॉगर है ये, ब्लॉगर ये भी ब्लॉग शूट कर रही है। तो फ्रेंड आप लोगों को हमारा घुगनी बनाने का रेसिपी कैसा लगा तो प्लीज़ बता दीजिएगा। और इसमें कोई भी थोड़ा सा भी कमी होगा तो वो भी बताइएगा, क्योंकि मैं जितना जानती हूँ उतना की और उतना आप लोगों को दिखाई हूँ। अगर आप लोगों को इसमें कोई डिस्टर्ब या कोई गलती नज़र आता तो प्लीज़ बता दीजिएगा। मेरा घुगनी बन के तैयार हो गया, तो मैं अभी इसको चूल्हा से उतार लूँगी। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आटा लाई हूँ पूरी बनाने के लिए, सॉरी पूरी बनाने के लिए, तो अभी मैं पूरी बनाऊँगी। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग वीडियो कैसा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं थोड़ा सा बका जा रही हूँ बोलने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन है माथा में। तो फ्रेंड आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और हम मतलब घुगनी किस तरह से बनाए हैं, निरामिस बना है तो वो भी बताइएगा। और अभी फटाफट से पूरी हम मतलब बेलेंगे और मम्मी फटाफट से छान लेगी, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो आप लोगों को आई होप कि हमारा ये घुगनी वाला रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक कॉमेंट शेयर कर दीजिएगा। अगर कहीं गलती हो तो आप बताइएगा मुझे। हाँ तो चलिए फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपना फैमिली का अच्छे तरह से ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। और आप लोग इन्जॉय फुल करिएगा पूजा में। तो अभी हम जाएंगे घूमने के लिए, तो उसका भी ब्लॉग आप लोगों को डालेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वो भी ब्लॉग देखिएगा, भर भर के प्यार दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। आप लोग देखिए ये लोग पहले आ गई बाय करने के लिए। तो बाय फ्रेंड, टेक केयर, लव यू।